स्वागत है आपका हेलो टेक इंडिया में। मेरा नाम है दीपक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएमबी के बारे में। जीएमबी मतलब गूगल माय बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई स्टोर वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जीएमबी पर रजिस्टर होना जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी तो जीएमबी पर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे हेलोटेक इंडिया अगर सर्च करते हैं, तो हेलोटेक इंडिया का एक साइड में सर्च बार के साइड में एक बिजनेस कार्ड आता है, जिसमें कि हमारी लोकेशन, फोन नंबर, वेबसाइट वगैरह सारी चीजें आती हैं। तो वो एक हमारी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाता है, जिससे कि हमारे स्टोर के बारे में, हमारी शॉप वगैरह और बिजनेस के बारे में सारी डिटेल एक बिजनेस कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट हो जाती है और हमारे कस्टमर को इजीली एंगेजमेंट कर पाते हैं। तो जीएमबी का बहुत अच्छा प्रोसेस है, तो आपको भी वहां पर रजिस्टर करना चाहिए। तो रजिस्टर करने के लिए और सेटअप करने के लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आपको ये सारी चीजें सेटअप करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जीमेल आईडी लॉगिन करनी है, जिससे कि आप अपना बिजनेस अकाउंट जिससे बना रहे हैं वो वाली मेल आईडी आपको लॉगिन कर लेनी है। और साथ में आपको एक शीट पे सारी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी लिख लेनी है। जैसे कि आज हम जो बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं, गूगल माई बिजनेस जो क्रिएट करेंगे वो शॉपिंग बोरा का करेंगे, ठीक है। शॉपिंग बोरा का हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी और वेबसाइट है, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पर वेबसाइट, जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू टैब में लिखना है गूगल माई बिजनेस। फर्स्ट जो लिंक आएगी वो लॉगिन कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो, अगर मल्टीपल अकाउंट खुले हुए हैं तो वो हटा देना। तो यहाँ पर मेरे को नवीन जैन के नाम से, यानी कि शॉपिंग बोरा मेल जो है इससे करना है, ठीक है, शॉपिंग बोरा मेल एट जीमेल डॉट कॉम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शॉपिंग बोरा, और देख सकते हैं वो सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई इस नाम से कोई जो मिलते जुलते हैं वो यहाँ पर क्रिएट है या नहीं है। तो शॉपिंग बोरा के नाम से कुछ भी क्रिएट नहीं है, तो हम इसको शॉपिंग बोरा से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे शॉप है या किस कैटेगरी में है वो, यह है ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आपको, जैसे हमारी वेबसाइट जो है ये मल्टी वेंडर है, हम इसका देख लेते हैं फ्लिपकार्ट का यहाँ पर क्या आता है, ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुछ आता है क्या। हमने अब शॉप लिख दिया है, कुछ उसमें मिलता जुलता आ नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पर अभी शॉप लिख दिया है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल का है या फिर एग्रीकल्चर का है या फिर कोई भी है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू एड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट, हम मतलब लोकेशन हम इसमें लगा सकते हैं लेकिन हमें विजिट नहीं करवाना है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है, तो नो कर देते हैं क्योंकि कस्टमर को हमें विजिट नहीं करवाना है। यहाँ पे हम करते हैं इंडिया में, यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर लिखना है, तो वो वाली जो शीट है वो ओपन कर लेनी है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वेबसाइट की लोकेशन, वेबसाइट का यूआरएल मांग रहे थे, यहाँ पर वो करंट वेबसाइट का हम यूआरएल डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप फिलफिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एड्रेस भी फिल करना है, तो एड्रेस फिल करने के लिए, तो दोस्तों अब हमारे पास में यहाँ पर एड्रेस भी आ चुका है, हम इस एड्रेस को इसी हिसाब से हम कॉपी करके और यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे, सिटी लिखेंगे हम न्यू दिल्ली,
यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से। हम टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको वेरीफाई करते हैं फ़ोन नंबर को। तो दोस्तों मैंने वेरीफाई कर लिया है और अकाउंट को ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे, फ़ोन पे ओटीपी आने के बाद में यहाँ इंटर करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। अब इसमें ये पूछ रहा है कि बिजनेस आवर, तो हमारा संडे को क्लोज रहेगा ठीक है, मंडे को ऑन रहेगा। अब ये कब से कब तक, अब इसको हम लिखेंगे, वैसे हम इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट है तो, अगर आपका स्टोर है तो आप इसको लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूँ। ऐड मैसेजिंग, हम इसको मैसेजिंग पे भी इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बिजनेस की डिस्क्रिप्शन हमें डालनी है, हमने जो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी थी वो वाली हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मांग रहा है, तो फ़ोटोज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है अभी हम इसको लोगो को ही डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें आप अपनी शॉप की फ़ोटोज़ भी इंटर कर सकते हैं। इसको कर देते हैं क्रॉप, दूसरी लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अभी के लिए हमें एडवर्टाइज नहीं करना है, कंटिन्यू करेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन इज नॉट पब्लिकली विजिबल ठीक है। तो अभी हम फिर से जाते हैं गूगल माई बिजनेस पे, साइन इन करेंगे अपने अकाउंट से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बिजनेस की डिटेल्स आ रही है, इन्फो में जाएंगे पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी बिजनेस की सारी डिटेल्स कर सकते हैं। अभी हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग फॉर रिव्यूज़ के लिए, इसमें 3 दिन लेगा पब्लिश होने के लिए। इसमें हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, वेबसाइट डाल दी है, फ़ोन नंबर डाल दिया है, बिजनेस आवर नहीं डाले हैं ठीक है। अब हमने यहाँ पर लोकेशन नहीं दी है अपनी वेबसाइट की, हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी थी। तो गाइस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप भर सकते हैं ठीक है, जैसे बिजनेस आवर्स हो गया और प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से रहेंगे, एट्रीब्यूट्स वगैरह भर सकते हैं आप यहाँ पर ठीक है, और शॉपिंग कोड्स लेबल्स यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है, गूगल एड एक्सटेंशन, फ़ोन नंबर आप लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जैसे कि आप फिल करेंगे तो उस हिसाब से आपकी जो है लोकेशन और जो बिजनेस है वो वेरीफाई हो जाएगा ठीक है। जितनी ज़्यादा लोकेशन होंगी आपकी जो बिजनेस कार्ड है वो उतना ही ज़्यादा रैंक करने में ईजी होगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आई होगी सारी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और शेयर ज़रूर करना ठीक है, बिना सब्सक्राइब करने मत जाना और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।